हेलो दोस्तों, हमारे चैनल A2A इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। LED ड्राइवर में किस वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाई जाए, इस पे आज डिस्कस करते हैं। कुछ कंपनियां दो रेजिस्टेंस लगा रही हैं, कुछ कंपनियां एक रेजिस्टेंस लगा रही हैं, तो आज हम इसी बात पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये देखिए आप, ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होती है, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस हैं, लेकिन ये एक्चुअल में वायर वाउंड रेजिस्टेंस हैं, क्रोम का वायर कहते हैं, वो इन पर लिपटा हुआ रहता है, तो वही रेजिस्टेंस होती है। तो इनका बेसिकली काम है कि अगर कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाती है, ये सबसे पहले लगी होती है, इंडक्शन करंट को रोकना है या सर्किट के अंदर एकदम ज़्यादा करंट ना जाए जिससे कि सर्किट का प्रोटेक्शन हो, इसलिए इन रेजिस्टेंसों का यूज़ किया जाता है। तो हमें ये देखना है कि सर्किट में कोई भी सर्किट, हम जैसे ये RC ड्रॉपर सर्किट है एक, या इस तरह का सर्किट है, ये यूनिवर्सल LED ड्राइवर है, तो इसमें कौन सी रेजिस्टेंस लगाई जाए। तो देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस है, अगर आप एक रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं तो जैसे ये 68 ओम की रेजिस्टेंस है, लोग तरह तरह के रेजिस्टेंस लगाते हैं, 47 ओम, 47 ओम, 33 ओम, 22 ओम, 68 ओम या फिर 100 ओम, 100 ओम तक आप रेजिस्टेंस इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी सलाह है वो यही है कि आप 68 ओम की रेजिस्टेंस लगाएं, और अगर आपको दो रेजिस्टेंस लगानी है, यानी कि एक ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है, तो आप 22 ओम की एक यहाँ लगाएं, 22 ओम की एक यहाँ लगाएं। लेकिन दोस्तों ये एक रुपये की एक रेजिस्टेंस पड़ती है लगभग, तो हम अगर दो रेजिस्टेंस लगाते हैं तो सीधी सी बात है एक रुपया इसका और बढ़ जाएगा, और LED बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग में कितना कंपटीशन है वो आपको पता ही होगा। तो हमारे ड्राइवर का अगर रेट एक रुपया और बढ़ जाता है तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो इसलिए एक ही रेजिस्टेंस लगाएं, और 68 की रेजिस्टेंस काफ़ी ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से। और अगर ये ना मिल रही हो तो आप 47 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। 100 ओम की रेजिस्टेंस लगाने की मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो ज़्यादा हीटअप होती है और थोड़ा करंट जो है वो LED RC ड्रॉपर सर्किट के लिए चाहिए होता है, वो थोड़ा कम प्रोवाइड कर पाती है, लेकिन चलता उससे भी है। लेकिन 68 बहुत अच्छी है, और अगर आप चाहें तो कम गर्म हो तो आप 47 ओम हाफ वाट की रेजिस्टेंस ले लें, वो भी बहुत अच्छा काम करती है, वो कम गर्म होती है। गर्म होने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ये ज़्यादा गर्म होती है तो ये भी कभी कभी ओपन हो जाती है, यानी सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, शॉर्ट भी नहीं होता, लेकिन वो ओपन हो जाती है क्योंकि ज़्यादा हीटअप हो जाती है। दूसरा, रेजिस्टेंस की क्वालिटी अगर बहुत अच्छी ना हो तो वो कुछ दिन के बाद ओपन हो जाती है, तो उसका वायर जो होता है, वायर वाउंड रेजिस्टेंस, वो जल जाता है। तो दोस्तों 68 रेजिस्टेंस सबसे बेटर है, और एक ही रेजिस्टेंस लगाएं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप दो रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इसकी लाइफ बढ़ेगी, नेचुरली बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन और अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, रेजिस्टेंस के बारे में सारी बात क्लियर हो गई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आए या आपके कुछ मन में कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर दें, मैं उसका एक आपको जवाब दूंगा, और मुझे लगेगा कि नहीं इसके लिए एक वीडियो बनाना चाहिए तो उसके लिए आप वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।